हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम निफ्टी को और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम आज के हमारे एंजल वन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये दोस्तों वीडियो हमारे एजुकेशन के पर्पज से और नॉलेज के पर्पज से होने वाला है। और एंजल वन के वेब पेज पे आने के साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स दिख जाएगा, तो आप यहाँ से निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी स्टॉक को भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी निफ्टी हमारे वॉचलिस्ट में एडेड है और यहाँ पर उसका चार्ट भी ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप टाइम फ्रेम बदल सकते हैं चार्ट पर, यहाँ से कैंडल बदल सकते हैं, यहाँ से जो भी इंडिकेटर लगाना है वो लगा सकते हैं। तो टाइम फ्रेम और कैंडल तो सही है, इंडिकेटर लगा लेते हैं जो हमें एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। तो अब यहाँ से सर्च कर लेते हैं, तो हमारा जो इंडिकेटर है वो है बोलिंजर बैंड का, तो ये आ चुका है फर्स्ट नंबर पर। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये लग चुका है। अभी आप अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने दिन से बैंक निफ्टी निफ्टी जो है हमारा कंसोलिडेट कर रहा था, एक ही रेंज में घूम रहा था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में अनएक्सपेक्टेड दोस्तों मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिला, काफ़ी बड़ा गैप ऑफ ओपनिंग लिया। अब गैप ऑफ ओपनिंग लेने के साथ ही दोस्तों कुछ पॉइंट उसने नोट करा गया हमें, क्या जैसे कि आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से टूल्स भी उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये लेवल, तो ये लेवल है दोस्तों 19,750-60 रुपये के आसपास का। ठीक है, उसके साथ ही नीचे सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो सपोर्ट में हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों 19,680 के आसपास का। अब आप देखिए निफ्टी हमें यहीं पर घूमते देखने को मिल रहा है, अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो कंफर्ट जोन में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस लेवल के अगर नीचे निकलेगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिलेगा। फिर 19,600 और 19,550 का जो लेवल है वो सपोर्ट का काम करते हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने ये बढ़िया तरीके से निफ्टी को एनालिसिस कर लिया दोस्तों। अब इसी प्रकार से बैंक निफ्टी को यहाँ से सर्च कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये वॉच लिस्ट में ऐड हो गया और यहाँ पर उसका जो चार्ट है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में भी काफ़ी बड़ा गैप ऑफ ओपनिंग लिया बैंक निफ्टी ने। ठीक है, अब यहाँ पर एक हाई मारा, ठीक है, मतलब सबसे पहले हाई तो ये था दोस्तों 44,450 का, देन उसके साथ एक लो मारा, ये था दोस्तों लगभग 44,300 का। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा गैप ऑफ ओपनिंग लेने के साथ ये लेवल इंटरेस्टिंग कर दिया इसने। ठीक है, यहाँ पर अगर नीचे आता है इसके तो प्रेशर में देखने को मिलेगा, उसके साथ ही 44,200-44,000 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर निकलता है तो कम्फर्ट जोन में हमें देखने को मिलेगा 44,500-44,700 का लेवल, ऊपर इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल है। ठीक है, तो हमने दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को एनालिसिस कर लिया, और ये एनालिसिस खाली एजुकेशन के पर्पज से किया है। अब मान लीजिए दोस्तों हमें चार्ट पर ही एनालिसिस करने के साथ पोजीशन लेना है, तो आप देख सकते हैं चार्ट पर ही आपको बाय और सेल का ऑप्शन दिख रहा है, बाय करना है सेल तो हमें बाय, चलो बाय पर क्लिक करेंगे। तो हमें कितने लॉट बाय करना है दोस्तों, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 5 लॉट। तो ये 5 लॉट जो है ना बैंक निफ्टी के, ठीक है, इस प्राइस से कितने क्या रहे यहाँ पर पता चल रहा है। साथ ही में प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, ऑर्डर हमारा सबमिट हो जाएगा और हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है यहाँ पर हमें पोर्टफोलियो पे देखने को मिलेगा। बहुत ईजी है दोस्तों एंजल वन के वेब पेज को यूज़ करना। उसके साथ ही अगर आप एंजल वन का मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करें तो वहाँ पर भी आप लोगों के लिए बहुत शानदार फीचर लेकर आया है एंजल वन ने। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आपको है ना लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो मोबाइल स्क्रीन है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने हमारा एंजल वन का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको ओपन किया है, उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है दोस्तों इंस्टा ट्रेड। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पेज ओपन होगा। इस पेज पर हमें सारी सुविधा देखने को मिलने वाली है, दूसरे किसी पेज पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, अपना प्रॉफिट लॉस यहाँ से देख लो। उसके साथ ही आपको दोस्तों जो भी टाइम फ्रेम लगाना है, ठीक है, बढ़िया यहाँ से लगा लो, जो भी कैंडल लगाना यहाँ से लगा लो, चार्ट पे मतलब इंडिकेटर लगाना यहाँ से लगा लो, चार्ट को यहाँ से एनालिसिस कर लो, यहाँ से कॉल ले लो, यहाँ से पुट ले लो, जो भी ऑप्शन है यहाँ से देख लो, जो भी ऑर्डर है आप यहाँ से देख लो, सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये ब्लू कलर में प्लस का आइकॉन देखने को मिल रहा है, इस पर आप दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर सर्च बॉक्स आ जाएगा, आप वहाँ से किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, खैर अभी निफ्टी का हमारे सामने चार्ट ओपन है तो यहाँ से आप एनालिसिस कर लीजिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, फिर नीचे बाय कॉल का और बाय पुट का ऑप्शन दिया, तो मतलब कॉल बाय करना है या पुट बाय, तो हमें कॉल बाय करना है, चलो कॉल बाय पर क्लिक करेंगे। उसके साथ ही अब यहाँ पर क्वांटिटी डालने का रहा है, आप देख सकते हैं, तो क्वांटिटी पे मतलब कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे, तो कंटिन्यू पे हमने दोस्तों जैसे क्लिक किया तो अब यहाँ पर क्वांटिटी डालने का है, कितनी क्वांटिटी लेना है मतलब 5 लॉट लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो 5 लॉट है, ठीक है, ये निफ्टी के कॉल के जो यहाँ पर दिख रहा है जिसका प्राइस ये है, ठीक है, और ये कितने में आ रहे हैं 5 लॉट यहाँ पता चल रहा है। साथ ही में बाय पे क्लिक करेंगे, उसके साथ ही आप देख सकते हैं कन्फर्म का आया, कन्फर्म पे हम दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ऑर्डर दोस्तों हमारा जैसे ही सबमिट होगा हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपन करो और एंजल वन को फटाफट से यूज़ करो और इंस्टा ट्रेड को भी फटाफट से यूज़ करो, और हमारे इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू दोस्तों।